सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, कितनी तरह की होती है और उसको किस किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सेल रेफरेंसिंग होती क्या है। हमारे पास यहाँ पे देखिए दो कॉलम हैं, इनकम और हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है, हमको क्या करना है, हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकम में से एक्सपेंसेस जो है माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे करते हैं, वही जो हम नॉर्मली हमने दूसरे लेक्चर्स में सीखा है फॉर्मूला लगाने के लिए। सबसे पहले हम लोग इक्वल टू दबाएंगे, फिर इनकम वाला जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे, D6 ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा। D हमारा कॉलम का नाम है, 6 हमारी रो है। ठीक है, माइनस करना है तो माइनस टाइप करेंगे, और हमको चाहिए E6, है ना, 354 माइनस करना है 500 में से, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो E6 जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब हम इसको एंटर दबाएंगे, देखिए और कैलकुलेट हो गया, 500 माइनस 354 इजिकल टू 4146। तो सब जो हम अभी देख रहे हैं वो उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है कि हम लोग किसी फार्मूले को अगर पुट करते हैं तो वो जो फार्मूला है वो हम लोग ड्रैग करके दूसरी सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है यहाँ पे, जस्ट आप देखें यहाँ पे डॉक्टर साइन आ रहा है। इस पर आप पहले तो ये थोड़ा सा थिक डॉक्टर साइन होता है, जब जैसे यहाँ पर यहाँ पर लेफ्ट बॉटम पे लेके राइट बॉटम पे लेके जाएंगे, यहाँ पे आप एक ब्लैक कलर का डॉक्टर साइन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और नीचे तक ड्रैग कीजिए। ये देखिए ये जो फार्मूला है अपने आप नीचे तक यूज़ हो रहा है। ठीक है, आप एक चीज़ चेक कीजिए, यहाँ से आप फॉर्मूला देख सकते हैं, हमने यहाँ पे E6 लिखा था, नीचे देखिए D7 E7 अपने आप चेंज हो गया, D8 E8 अपने आप चेंज हो गया, 15150 D9 E9 अपने आप चेंज हो गया। हमने सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी D6 E3 और ये चीज़ अपने आप उसने ले ली, है ना। अभी हमने देखा था एक इसको यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करके हमने इसको नीचे लिया था। अब हम देखते हैं इसका एक तरीका और है, जैसे ही आपने फॉर्मूला पुट कर दिया उसके बाद आप इस डॉक्टर साइन को यहाँ पे लाके डबल क्लिक कर सकते हैं, तो जहाँ तक आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक अपने आप ले लेगा और नीचे तक जो है फॉर्मूला आपका यूज़ हो जाएगा। हमको अगर ये देखना है कि इस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है, तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर फॉर्मूला बार में देखें, है ना। दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मूला भी हमारी ऊपर जो मेन्यू बार है उसमें फॉर्मूला नाम का एक मेन्यू है, इसके टैब अगर हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे शो फॉर्मूला नाम का एक बटन है, ये देखिए आप यहाँ पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको जो हमारी शीट में प्रेजेंटली जो जो फॉर्मूले जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो फॉर्मूले हमको नज़र आने लग जाएंगे। ठीक है, आप फिर से क्लिक इसको करके इसको बंद कर सकते हैं और अपना पुराने व्यू पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रेफरेंसिंग होती है उसको सेल रेफरेंस, उसको रिलेटिव रेफरेंसिंग बोलते हैं। रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब ये है कि जो फॉर्मूले में जो सेल के नंबर चेंज हो रहे हैं, सेल का एड्रेस चेंज हो रहा है, वो रिलेटिव है इस एड्रेस के, है ना। जैसे ही नीचे आया उसने रो में भी एक इंक्रीमेंट कर दिया और कॉलम में भी एक इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे ही हमने नीचे लिया अगला रो में लिया तो रो में भी उसने एक इंक्रीमेंट कर दिया और कॉलम में भी एक इंक्रीमेंट कर दिया, इसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग किसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग किसको बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मान लीजिए स्टूडेंट टू, ऐसे करके हमारे पास कुल कुछ 6 स्टूडेंट्स हैं, इनके कुछ मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हमारे 100 हैं और इसका हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले इक्वल टू साइन, हमारा जो स्कोर्ड है, स्कोर्ड मार्क्स है, वो इस पर क्लिक करेंगे, उस सेल पे, ये अपने आप सेल एड्रेस ने ले लिया। इसके बाद डिवाइड करने के लिए ये हमारा टोटल मार्क्स, इस पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। ये समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो हमने मार्क्स स्कोर किए हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, वही हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब हम इसको एंटर दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है, सही से कैलकुलेट हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम वो सेम चीज़ नीचे भी करनी है, इन फॉर्मूलेज के लिए भी करनी है, इन स्टूडेंट के मार्क्स के लिए भी करनी है, तो वही तरीका है, ड्रैग करेंगे, या तो ड्रैग करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे। इस बार हम डबल क्लिक करते हैं, देखिए सही आया क्या, बिल्कुल भी सही नहीं आया। क्यों? क्योंकि 60 का 100 में से अगर आपने स्कोर किया तो परसेंटेज भी 60 होना चाहिए, 78 का भी 78 होना चाहिए, तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, है ना। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूला इसमें क्या पुटअप हुआ है, और उसको टेस्ट करते हैं कि क्या कहाँ गलती हुई है। फिर से हम जाएंगे फॉर्मूला मेन्यू बार में, और हमारा शो फॉर्मूला पर क्लिक किया, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखिए कि इसमें कुछ कहाँ गलती है, हम लोग चेक करते हैं। J6 हमारा सही है, ठीक है। J6 डिवाइडेड बाय J5, ये है हमारा J5, ये पहला जो है आंसर वो सही आ रहा था 23। सेकंड हम देखते हैं J7 सही आ रहा है, J6 जबकि ये वाली सेल का एड्रेस है, है ना। हमको चाहिए कौन सा, ये। तो कहने का मतलब एक चीज़ समझ में आ गई हमको कि हमारा जो फार्मूला है उसमें J5 जो है कांस्टेंट रहना चाहिए, बाकी की जो वर्टिकल सेल है वो चेंज होती रहनी चाहिए, है ना। अब ये कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला फार्मूला था उस पे वापस चलेंगे, अभी हम सब हटा देते हैं पुराना वाला जो काम का नहीं है। जो पहला हमारा फार्मूला है, सेल है, उस पर चलते हैं और कर्सर इस जगह ले जाते हैं, जो J5 जिसको हमको कांस्टेंट करना है ना। कर्सर इस जगह लाने के दो तरीके हैं, या तो आप इस सेल पे क्लिक करके डबल क्लिक करें और फिर इसको यहाँ पे लिखें, दूसरा सेल को यहाँ पे लाके कर्सर यहाँ लाके F2 दबाएं, तो इससे भी आपका ब्लिंकिंग कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको हमको जिस सेल को कांस्टेंट करना है वहाँ पे लेके आएंगे, और वहाँ पे लाने के बाद इसमें F4 दबाएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से नोट करना है, F4 दबाएंगे, तो हम लोग फिर से देखते हैं क्या कर रहे हैं। हम लोग हमारी सेल पे जाएंगे जहाँ पे जो पहली सेल थी वहाँ पे, और जो हमारा J5 है जिसको हम कॉन्स्टेंट बनाना है, उस 5 के आगे एक डॉलर लगाएंगे और J के आगे भी डॉलर लगाएंगे। जिस भी चीज़ को हमको कॉन्स्टेंट करना है उसके आगे हम डॉलर लगाते हैं। तो अभी इस कंडीशन में हमको J को भी कांस्टेंट करना है और 5 को भी कांस्टेंट करना है, इसलिए हमने दोनों के आगे डॉलर लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको एंटर दबाते हैं और इस फॉर्मूले को ट्रैक करते हैं, ये देखिए अभी बिल्कुल सही हो गया। अब हम देखते हैं हमारे फॉर्मूले में क्या आया, फिर से देखते हैं हमारा शो फॉर्मूला, ये देखिए सब जगह पर J5 जो है कांस्टेंट हो गया, बाकी किसी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, J6 चेंज हो रहा है, J8, J9, J10, J11, है ना। तो इसको जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। तो इस स्लाइड में हमने दो तरह की सेल रेफरेंसिंग पढ़ी, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। एक बार ये जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है इसको हम वापस से देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कुछ डेटा है और मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, इसका हमको टोटल परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इक्वल टू
स्कोर्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ब्रैकेट बंद किया, एंड में जाके 100। हमको J5 को कांस्टेंट बनाना है, इसलिए 5 और J के आगे डॉलर लगाया और एंटर दबा दिया। ये सब जो है टोटल कर हमारा परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गया। अब हम इसको नीचे तक ट्रैक कर देंगे जहाँ जहाँ पे हमारा डाटा है, ये देखिए सब जगह काम हो गया है ना। तो ये जो रेफरेंसिंग थी वो रिलेटिव थी, और ये जो रेफरेंसिंग है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट का मतलब है कि कुछ एक फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, है ना। तो हमने दो तरह की रेफरेंसिंग अभी पढ़ी, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। थैंक यू।